बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत डोंगर गांव में श्रमिकों की मजदूरी का समय भुगतान नहीं होने पर मामला सामने आया है। दरअसल ग्राम पंचायत डोंगर गांव में लगभग 38 लाख रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण कार्य लगभग पिछले 3 सालों से किया जा रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन सन 2022-23 में जिन मजदूरों ने इस गौशाला में निर्माण कार्य किया है, उन मजदूरों की मजदूरी अभी तक नहीं मिली है, जिसके चलते मजदूर लगातार परेशान हो गए हैं। वहीं जो लोग काम नहीं करते हैं, उनके खाते में समय पर पैसे आ गए हैं। वहीं इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को शिकायत दर्ज भी की गई है, लेकिन इसके बाद भी मजदूरों को अपनी मजदूरी नहीं मिली। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। सर, हमने यहाँ मजदूरी करी हुई है, हमने यहाँ काम किया, हमको पेमेंट अभी तक नहीं मिला है इसका। हमने सरपंच, सचिव, इनके पास भी शिकायत की, अनुरोध किया कि हमारा कुछ करवाओ, इन्होंने भी कुछ काम में नहीं ध्यान नहीं दिया। हमने जिला कलेक्टर के पास भी शिकायत करी कि उसकी कॉपी भी है हमारे पास, 181 पर भी हमने किया था शिकायत, उसकी भी है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, हम ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारी सहायता करके हमारा पैसा निकलना। ये ठेकेदार है, इनके पीछे हम काम करते हैं, गरीब आदमी है, अब उनको ही लेबर नहीं, पेमेंट नहीं मिला तो हम हमारे कहाँ से देंगे। अब भय रिश्ता है, इसलिए हम झगड़ा भी नहीं कर सकते। ये पूरा काम हमने किया है, पूरा यानी हमने किया। बाउंड्री वाल भी हमने किया है सर, प्लास्टर छोड़ के, फिर भी भय से हम झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि गांव का रिश्ता है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। समस्या है सर, हमारे वो पेमेंट ने पैसे नहीं दे रहे गौशाला में। वो समस्या 2022-23 का हम काम कर रहे थे, उसके बाद में हमने काम रोक दिया था, तो उन्होंने बोला पैसा डालेगा, जब हम पैसा देंगे तो उन्होंने काम चालू करवा दिया। पैसा मिला नहीं अभी तक। किसने दिए नहीं पैसे? जो कॉन्ट्रेक्टर था उसने सचिव को बोला था कि भाई इसका पेमेंट तू डाल देना, सचिव जी ने डाला ही नहीं पेमेंट।